वंस अगेन वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं प्रिटिभू मूवी को। दोस्तों तो बात करें इस मूवी की तो मूवी काफ़ी अच्छी और इमोशनल भी है। इस मूवी में एक फादर अपनी बेटी जो मेंटली और फिजिकली अबनॉर्मल होती है उसको खुश रखने के लिए कितनी सारी प्रॉब्लम फेस करता है। तो बिना किसी देरी के हम मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की ओपनिंग सीन में हम अम्मू नाम के आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटी जिसका नाम पापा रहता है उसको लेकर कहीं जा रहा होता है। बात करें पापा की तो पापा फिजिकली और मेंटली अनफिट थी। अम्मू पापा को लेकर एक खाली प्लेस पर जाता है जहाँ कोई नहीं रहता है और जिस घर में ये लोग शिफ्ट होते हैं वो घर इरियाना नाम की फॉरेन लड़की का होता है। इरियाना 3 दिन बाद ये घर छोड़कर जा रही होती है। साथ ही अम्मू से कहती है कि उसने ये घर पापा को देखकर दिया है। कुछ टाइम बाद इरियाना और पापा की काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। जब इरियाना जा रही होती है तो पापा इरियाना को रोकने की कोशिश करती है। इरियाना को जाने के बाद पापा खुद को रूम में लॉक कर लेती है। अम्मू समझ नहीं पा रहा था कि वो पापा को कैसे संभाले। अब सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां अम्मू 10 साल दुबई रहने के बाद इंडिया वापस आता है। जब वो अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी वाइफ घर में नहीं है। इस तरह उसे अपनी वाइफ का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि आप मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हो, आप बहुत अच्छे हो, आपके दुबई वापस जाने के बाद पापा ने जन्म लिया, मैंने 10 साल इसकी केयर करी, अब आपकी बारी है, मैं किसी और के साथ अपनी बाकी लाइफ बिताने जा रही हूँ। मतलब पापा अम्मू को नहीं जानती थी इसलिए पहली बार पापा अम्मू को देखकर चिल्लाने लगती है। पापा अम्मू के माँ के घर रहती थी। अम्मू की माँ पापा को बहुत डांटती थी। एक बार छत पर एक चिड़िया गिर जाती है जिसे देखकर पापा रो रही होती है। अम्मू वहाँ आकर चिड़िया को अपने हाथ में उठा लेता है और पापा को कहता है कि वो इसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। पापा अम्मू की बातों में कन्विंस होने लगती है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और अम्मू को ये जगह छोड़ने के लिए कहते हैं क्योंकि पापा रात को बहुत चिल्लाती थी जिसे सभी नेबर्स काफी इरिटेट होते थे। तब अम्मू कहता है कि उसे थोड़ा टाइम दीजिए, वो ऐसे अचानक पापा को लेकर कहाँ जाएगा, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं। तब अम्मू गुस्से में आकर उस चिड़िया को नीचे गिरा देता है। ये सब पापा विंडो से देख रही होती है इसलिए वो अम्मू से चिढ़ने लगती है। तब अम्मू अपनी फ्रेंड की हेल्प से इस घर में शिफ्ट होता है। अब सीन प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ अम्मू पापा को बाहर से देख रहा होता है कि पापा बाहर आ रही है कि नहीं। थोड़ी देर बाद पापा बाहर आती है। पापा एक आदमी को घोड़ा ले जाते हुए देखती है। पापा उसके पास जाकर उसके साथ खेलने लगती है। अगले दिन अम्मू पापा के लिए घोड़ा लाता है और उसका नाम नेल पॉलिश रखता है। अब पापा नेल पॉलिश के साथ खेलती थी और काफी खुश रहती थी और बाहर भी आती रहती थी, लेकिन वो अम्मू के साथ बात नहीं करती थी। अम्मू पापा के सामने नाश्ता खेलता और सब कुछ करता लेकिन पापा सिर्फ चुपचाप रहती। तभी अम्मू पापा से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। पापा कहती है मुझे माँ चाहिए, क्योंकि पापा 10 साल अपनी माँ के साथ रही थी। अब उसकी माँ उसको छोड़कर चली गई। अम्मू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो पापा को कैसे संभाले। 6 महीने गुजर जाते हैं। पापा अम्मू के क्लोज आने लगती है, वो भी एक चिड़िया की हेल्प से। कुछ टाइम बाद अम्मू और पापा की काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। एक दिन पापा और अम्मू सो रहे होते हैं। अगले दिन जब पापा सुबह उठती है तो पापा का फर्स्ट पीरियड आया हुआ होता है। पापा की माँ नहीं थी इसलिए अम्मू एक औरत को लेकर आता है और उसे घर के काम और पापा की केयर करने के लिए कहता है। अगले दिन वो औरत अम्मू से कहती है कि सर मेरे पति बहुत शक करते हैं इसलिए मैं कल से यहाँ नहीं आऊंगी, मुझे मेरा कल का पैसा दे दीजिए। इसके बाद अम्मू काफी परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि कैसे वो अपनी बेटी का ध्यान रखे। कुछ टाइम बाद एक औरत जिसका नाम विजय लक्ष्मी रहता है वो अम्मू को बिना कुछ बोले उसके घर का काम करने लगती है। अम्मू पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो। विजय लक्ष्मी कहती है कि मेरा यहाँ कोई नहीं है, बस आप मुझे खाने के लिए दे दें, बाकी वो यहाँ रहकर घर का सारा काम करेगी। अम्मू कहता है कि बात सिर्फ काम की नहीं है, मेरी बेटी का भी ध्यान रखना होगा। तब तक पापा विजय लक्ष्मी के पास आती है। पापा को विजय लक्ष्मी बहुत पसंद आ जाती है। इस तरह विजय लक्ष्मी अम्मू और पापा का बहुत ध्यान रखती थी। एक दिन विजय लक्ष्मी बाबू नाम के आदमी से बात कर रही होती है। इन दोनों की बातों से लगता है कि बाबू विजय लक्ष्मी से कुछ करने के लिए कह रहा होता है। तभी वहाँ रास्ते में अम्मू किसी के साथ बाइक से जा रहा होता है और विजय लक्ष्मी को बाबू से बात करते हुए देख लेता है। विजय लक्ष्मी बाबू से कहती है कि वो बाद में बात करेगी। घर आने के बाद अम्मू विजय लक्ष्मी से कहता है कि अगर तुमको जॉब छोड़नी हो तो बता देना। तब तक विजय लक्ष्मी कहती है कि नहीं सर मैं जॉब नहीं छोड़ रही हूँ, वो मेरा मामा था जो मेरा हालचाल पूछ रहा था और कुछ नहीं। उसी रात अम्मू नींद में बड़बड़ा रहा होता है। विजय लक्ष्मी अम्मू को जगाकर उसके लिए चाय बनाती है। अम्मू काफी अकेला फील कर रहा होता है इसलिए वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है, इसलिए विजय लक्ष्मी अम्मू को संभालती है और गले लगा लेती है। ये दोनों एक दूसरे से काफी क्लोज आ जाते हैं। उस टाइम बाद विजय लक्ष्मी और अम्मू की शादी हो जाती है। ये लोग काफी अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं। एक दिन अम्मू घर का कुछ सामान लेने जा रहा होता है और रास्ते में उसे बाबू दिखता है जिसकी बाइक खराब हो जाती है।
अम्मू बाबू से कहता है आप तो विजय लक्ष्मी के मामा हो, और बताता है कि विजय लक्ष्मी और अम्मू ने उसे बिना बताए शादी कर ली है। अम्मू कहता है ये बात आपको नहीं पता होगी, प्लीज आप हमारे घर चलिए, आपको देखकर विजय लक्ष्मी काफी खुश होगी। ऐसा कहने के बाद अम्मू बाबू को अपने घर ले जाता है, जहाँ विजय लक्ष्मी बाबू एक दूसरे को देखते हैं, उनकी आंखों में आंसू रहता है। ऐसा लगता है कि मानो ये दोनों हस्बैंड और वाइफ हो। डिनर करने के बाद अम्मू फ्लोर पर सो जाता है और बाबू को अपना बेड भी देता है। जब अम्मू सो जाता है तो बाबू विजय लक्ष्मी के पास आता है और डोर ओपन करने के लिए कहता है। विजय लक्ष्मी बाबू को देखकर काफी बुरी तरह रोने लगती है। बाबू कहता है कि मुझे ये पता है कि तुम ये सब हमारे लिए कर रही हो, लेकिन विजय लक्ष्मी डोर ओपन नहीं करती है और वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे अम्मू बाबू की बाइक को सही कर देता है और बाबू वहां से चला जाता है। उसी रात विजय लक्ष्मी अम्मू को चाकू से मारने जाती है, लेकिन अम्मू के अच्छाई को देखकर वो रुक जाती है और रूम में आकर रोने लगती है। अगले दिन विजय लक्ष्मी पापा को कुएं के पास लाती है और पापा को डुबोने की कोशिश करती है, तभी अम्मू उसको देख लेता है और विजय लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल देता है। विजय लक्ष्मी कुछ लोगों की हेल्प से पंचायत बिठाती है और कहती है कि अम्मू ने फालतू में उसे घर से निकाल दिया, उसका यहाँ कोई नहीं है। इस तरह विजय लक्ष्मी मुआवजे के तौर पर अम्मू का घर मांगती है। अम्मू उस टाइम विजय लक्ष्मी के नाम पर वो घर कर देता है और पापा को लेकर चला जाता है। बाद में अम्मू को पता चलता है कि विजय लक्ष्मी की शादी बाबू के साथ पहले ही हो चुकी थी और उसका एक बेटा है। विजय लक्ष्मी ने अम्मू का घर पाने के लिए ये सब करा था। इसके बाद अम्मू पापा को लेकर एक होटल में रुक जाता है, लेकिन उस होटल में पापा एक कपल को रोमांस करते हुए देख लेती है। अम्मू पापा को ये सब देखता हुआ देख लेता है और वहां से चला जाता है। अम्मू पापा को लेकर फुटपाथ पर बैठ जाता है, तभी वहां एक लड़का आता है और अम्मू से कहता है कि यहाँ पे एक दूसरा होटल है और बोलता है कि वो होटल आपके लिए सही रहेगा। अम्मू पापा को लेकर उस होटल में जाता है और पापा को कुछ खाने के लिए देकर जॉब ढूंढने के लिए निकल जाता है, जहाँ उसे कैब ड्राइवर की जॉब मिल जाती है। एक बार पापा और अम्मू सो रहे होते हैं, तभी पापा का पैड आ जाता है। पापा अम्मू से इस बारे में शादी से कहती है। अम्मू पापा के लिए पैड लाता है और चेंज करने लगता है, लेकिन पापा अम्मू को मना कर देती है और खुद वॉशरूम में जाकर चेंज करने लगती है। तभी पापा वॉशरूम में गिर जाती है। अम्मू पापा को उठाकर उसका पैड चेंज करने लगता है, लेकिन पापा मना कर देती है, इसलिए अम्मू पापा को डॉक्टर के पास ले जाता है। तब डॉक्टर बताती है कि पापा की केयर ना करने की वजह से उसे फंगल इन्फेक्शन हुआ है। डॉक्टर उसे दूसरे डॉक्टर जिनका नाम धनन पाल से मिलने के लिए कहती है, जो स्पेशल बच्चों के स्कूल चलाता था। अम्मू धनन पाल से मिलने जाता है। धनन पाल बताता है कि ऐसे स्पेशल बच्चों के लिए बहुत से स्कूल हैं, आप अपनी बेटी को किसी भी स्कूल में भेज सकते हैं। और ना चाहते हुए अम्मू डिसाइड करता है कि वो पापा को स्पेशल स्कूल भेजेगा और एक स्पेशल स्कूल जाता है। वहाँ का एटमॉस्फेयर देखकर अम्मू वार्डन से कहता है कि वो अपनी बेटी को 3 दिन तक यहाँ रखेगा, अगर उसको यहाँ अच्छा लगा तो वो अम्मू को उसे यहाँ छोड़कर चला जाएगा। इसके बाद अम्मू पापा को वहाँ छोड़ देता है, लेकिन रात में पापा बहुत चिल्लाती है क्योंकि उसके पास अम्मू नहीं था। उधर अम्मू अपनी कार को लेकर एक जगह लेटा रहता है, तभी उसे किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर अम्मू उसके पास जाता है और देखता है कि एक आदमी एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है। अम्मू उस लड़की को बचा लेता है और उसका नाम पूछता है। वो लड़की अपना नाम मीरा बताती है और ये भी बताती है कि वो एक ट्रांस वूमेन है। इसके बाद अम्मू पापा के लिए काफी घर ढूंढता है, लेकिन उसे कोई भी घर पसंद नहीं आता है। तभी एक दिन अम्मू को रास्ते में मीरा मिल जाती है और अम्मू को घर ढूंढने में हेल्प करती है। इस तरह अम्मू को घर मिल जाता है और मीरा और अम्मू के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। अब अम्मू पापा को लेने के लिए स्पेशल स्कूल जाता है, लेकिन उसे वहाँ एक वार्डन से पता चलता है कि पापा कुछ बच्चे और वार्डन के साथ घूमने गई है, इसलिए अम्मू वहाँ से जाने लगता है। तभी ऊपर वाले विंडो से एक बच्चा अम्मू को इशारा करता है और ये बताने की कोशिश करता है कि पापा ऊपर वाले रूम में है, उसे कुछ लोगों ने बहुत मारा। अम्मू तुरंत ऊपर वाले रूम में जाता है, तभी वहाँ पर वार्डन आ जाता है और गेट ओपन करता है। अम्मू देखता है कि पापा को काफी चोट लगी है क्योंकि कुछ लोगों ने उसको बहुत मारा था, इसलिए वो वार्डन को 2-3 थप्पड़ मारकर पापा को ले जाता है और अपने नए घर में शिफ्ट हो जाता है। कुछ टाइम बाद अम्मू डॉक्टर धनन पाल से फिर से मिलने जाता है। वो बताता है कि ये बच्चे भले ही अब नॉर्मल है, लेकिन इनके अंदर भी नॉर्मल बच्चों की तरह फीलिंग होती है। घर आने के बाद अम्मू देखता है कि पापा टीवी पर सूर्या की रोमांटिक सीन देख रही होती है। अम्मू ये देख कर इग्नोर कर देता है और रूम में आकर रोने लगता है और सोचता है कि किसी भी फादर को ऐसी नौबत ना आए। इसके बाद अम्मू मीरा से मिलने जाता है और उसे एक प्रोस्टिट्यूटर के बारे में पूछता है। मीरा उसे एक लेडी के एड्रेस दे देती है। वो लेडी अम्मू से पूछती है कि आपको कैसी लड़की चाहिए। अम्मू बोलता है कि उसे लड़की नहीं लड़का चाहिए, वो भी अपनी बेटी के लिए। ये सुनने के बाद वो लेडी अम्मू को एक थप्पड़ मारती है और बोलती है कि मैंने इतने सालों में आप जैसे इंसान नहीं देखा,
तब अम्मू उस लेडी को पापा के बारे में सब कुछ बताती है। तब वो लेडी कहती है कि सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई है, अगर कोई लड़का मिलेगा तो मैं आपको कॉन्टेक्ट करूंगी। इसके बाद अम्मू पापा को लेकर बीच के पास आता है। वहाँ पर एक लेडी पापा का हाथ देकर बताती है कि इसका फ्यूचर काफी अच्छा होगा, इसकी शादी होगी और बच्चे भी। थोड़ी देर बाद अम्मू पापा से पूछता है कि क्या वो उसके साथ हमेशा रहेगी। पापा कहती हाँ। इस तरह अम्मू पापा को लेकर समुंदर की तरफ जाने लगता है। काफी टाइम बाद वो लोग काफी पानी में आ जाते हैं। पापा डर के चिल्लाने लगती है, लेकिन अम्मू उसको जबरदस्ती ले जा रहा होता है, क्योंकि अम्मू इन सब चीजों से काफी थक गया था, इसलिए वो पापा को लेकर सुसाइड करने जा रहा था। तभी वहाँ पर मीरा आ जाती है और उन लोगों को बचा लेती है। एट द लास्ट हम लोग देखते हैं कि अम्मू ने मीरा से शादी कर ली है और पापा मीरा अम्मू अपनी लाइफ काफी खुशी बिता रहे होते हैं। और इस तरह हमारी मूवी का एंड होता है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, और एट द लास्ट जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।